हाँ डियर फ्रेंड्स, सो आप सभी का बहुत बहुत आभार है प्यारे बच्चों। मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का, एयरफोर्स अग्निवीर इंटेक 01/01/2024 के लिए एग्जाम देने जा रहे हो, सर सेफ स्कोर क्या होगा, एडमिट कार्ड कब आउट होंगे, एग्जाम डेट एग्जाम सेंटर कब आएंगे सर, और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों का है, सर मैं कंफ्यूज हूँ, लास्ट टाइम चल रहा है और बहुत, पहले तैयारी अच्छी थी, अभी सर कंफ्यूज हो चुका हूँ, बहुत डिप्रेशन सा हो चुका है, पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है, 13 तारीख से एग्जाम है सर और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। पहले कंसिस्टेंटली मैं पढ़ाई कर रहा था, 4 से 5 इंपोर्टेंट बातें, सबसे इंपोर्टेंट सेफ स्कोर क्या होगा, कट ऑफ एक्स और बाई ग्रुप के लिए एक मतलब क्या सेफ स्कोर जोन होगा सर, हम किस तरह कितने मार्क्स अचीव करने हैं, कितने मार्क्स अभी आ रहे हैं। सबसे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आता है, आप वीडियो को लाइक करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो प्लीज गाइस यदि आप नए हैं चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ में इसको ग्रुप में भेजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मैं 5 बातें करने वाला हूँ। एयरफोर्स इनटेक 01/01/2024, हम थोड़ी कट ऑफ के बारे में एनालिसिस करेंगे कि इसका सेफ स्कोर क्या होगा, आपके एक्स और वाई ग्रुप में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप सेफ हैं या नहीं है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कितने फॉर्म भरे गए, 2.86, 2,86,000 फॉर्म भरे गए जिनकी फीस कटी, ये वो संख्या है जो फीस कटी, इसमें एग्जाम देने वालों की संख्या कम हो जाएगी, 2,45,000 के आसपास बच्चे रह जाएंगे। 2,86,000 बच्चों ने फॉर्म भरे, ये वो फॉर्म है जो फीस सबमिट हुई है, मतलब फीस जिनकी डिडक्ट हुई है। लगभग इसमें 25,000 लड़कियों ने फॉर्म भरे हैं, 2,86,000 में से 25,000 फॉर्म गर्ल्स के भरे गए हैं, याद रखिएगा इस बात का। सर इस बार आपको पता होगा ज्यादा जो फॉर्म भरे जाते हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और एमपी, ये आपको सब पता है। सबसे ज्यादा मतलब मैं एवरेज बात करूं 70-80% फॉर्म यहां से भरे गए हैं, बाकी 20% में बाकी के स्टेट आ जाते हैं सारे। हम बात करेंगे टोटल वेकेंसी, सर इस बार टोटल वेकेंसी कितनी है या कितने पर रिक्रूटमेंट होगा, क्योंकि इस बार फॉर्म ज्यादा भरे गए पिछली बार की तुलना में, जो अभी रिजल्ट आ चुका है, जो इनरोलमेंट और पीएसएल का वेट कर रहे हैं वहां पर फॉर्म केवल 1,45,000 भरे गए थे जिन्होंने एग्जाम दिया। कट ऑफ कितनी बढ़ेगी सर, और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन और मैं बता दूं आपको, जो बच्चे निराश हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं लेकिन मन से संतुष्टि नहीं है कि सर मैं क्या करूंगा एयरफोर्स ज्वाइन करके, कुछ भी 4 साल की नौकरी है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने सुबह भी वीडियो अपलोड किया था, आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट होगा ऑफिशियली 50% परमानेंट कर दिए जाने का। आप सभी को मैं फिर से इंफॉर्म कर दूं, आप गलत फहमी में जी रहे हैं यदि आप केवल दूसरे बच्चों की बातों में आकर घर बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आप एयरफोर्स को छोड़ रहे हैं, किसी भी आर्मी नेवी इनको छोड़ रहे हैं 4 साल की वजह से। पहला जो रिक्रूटमेंट हुआ था अग्निवीर का, वो भी जब 4 साल बाद आएंगे उस तक भी शायद 99.9% 50% परमानेंट हो चुके होंगे। 2024 के लास्ट में और 2025 के शुरुआत में आपको ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि 50% एयरफोर्स ने परमानेंट कर दिए हैं, प्रस्ताव ऑलरेडी भेजा जा चुका है, बस उस पर विचाराधीन है, विचार होना है, याद रखिए इस बात का। टोटल वैकेंसी कितनी है इस बार, मैं आपको क्लियरली कर दूं, 4,000 प्लस वैकेंसी, 4,000 वैकेंसी इनटेक 01/01/2024 के लिए इंक्रीमेंट है वैकेंसी में, याद रखिएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, कट ऑफ भी पिछली बार से इस बार ज्यादा होगी, क्योंकि फॉर्म की संख्या एग्जैक्ट मुझे लगता है देखा जाए तो मतलब डबल तो नहीं कह सकते, पिछली बार 1,45,000, इस बार 2,86,000, पिछली बार फॉर्म भरे गए 1,65,000, इस बार 2,46,000, पिछली बार लड़कियां 15,000, इस बार 25,000, तो काफी ज्यादा अंतर है, ये बात समझनी पड़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी याद रखिएगा, और कंपटीशन ज्यादा होगा, कंपटीशन क्या होगा ज्यादा होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं आपको, फेज जो होने जा रहा है 01/01/2024, एक फेज फर्स्ट 2024 का जो पहला इंटेक है इसका रिजल्ट भी मैं आपको बता दूं, ये लगभग 6 से 8 नवंबर और 10 नवंबर के आसपास कंफर्म आ चुका होगा, 10 नवंबर तक ये कंफर्म आ चुका होगा, मतलब 8 नवंबर से पहले आ चुका होगा, मैं एग्जैक्ट डेट आपको बता देता हूं, 8 नवंबर तक ये रिजल्ट आ चुका होगा, और फेज सेकंड के लिए फिर से आपको 2 महीने मिलेंगे, ये भी कंफर्मेशन है, क्योंकि बीच में रैली भर्ती वगैरह वो ऑफिशियली पहले से अनाउंस है, आपको पता होगा पिछली बार भी हुआ है, पूरे 2 महीने फेज सेकंड के लिए मिले। इंपॉर्टेंट बात बच्चों ने जो पूछा कि सर कट ऑफ या सेफ स्कोर क्या रहेगा, यदि आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपके 30 से लेके और 33 मार्क्स तक आ रहे हैं, आप 100% सेफ जोन में हैं, आप अपना मैक्सिमम लेके चलिए 32 और 33 और 34 नंबर। यदि आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं और 30 से 33 नंबर आपका स्कोर आ रहा है, 32-33 एक्स ग्रुप का स्कोर आ रहा है, तो आप समझ लीजिएगा बिल्कुल 100% सेफ जोन में है, नेगेटिव मार्किंग हटा के की बात कर रहा हूं मैं, आप जो टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। और यदि आप बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो प्यारे बच्चे 33 से लेकर 36 मार्क्स का ये बहुत सेफ स्कोर होगा, आपको 35 मार्क्स अचीव करने ही हैं, 35 तक आपको बाई ग्रुप में 100% लाना होगा फाइनल एनरोलमेंट लिस्ट तक ज्वाइन करने के लिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मार्क्स 32 आ गया, बाई ग्रुप में सेलेक्ट हो जाओगे फिर ही निकल जाएगा, लेकिन फाइनल 35 पर पहुंचेगी, उसके बाद आप निराशा हाथ लगेगी और बहुत बुरा लगता है जब आप फिजिकली मेडिकल फेज सेकंड आप सबने सब कुछ क्लियर किया हो और लास्ट में आप एनरोलमेंट या पीएसएल में निकाल दिए गए हैं।
ड्यू टू द लैक, मतलब लैक मार्क्स कम नंबर होने की वजह से आपको निकल गए हैं, तो वो बहुत बुरा समय होगा। इसीलिए मैं प्लीज पहले से कह रहा हूं भाई ग्रुप 35 नंबर का मार्क्स लेके चलना है, 33 से 35 मतलब 35 आने ही चाहिए, और एक्स ग्रुप का आपको लेके चलना है 33 तक 100%, ऊपर कोई जरूरत नहीं 33 से ऊपर की, इससे ऊपर बिल्कुल कट ऑफ नहीं होगा। मैं फाइनली एनरोल कर रहा हूं, रिटर्न के लिए आप बिल्कुल कंफर्म है। इसीलिए और एक इंपॉर्टेंट बात जो बच्चे सभी याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कौन क्या बोल रहा है आपके बारे में डजंट मैटर, इस बार एग्जाम नहीं निकलेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चे इस बार एग्जाम तैयारी कर रहे हैं बट वो डरे हुए, सर पहली बार एग्जाम दे रहा हूं कोई फर्क नहीं पड़ता, नेक्स्ट वेकेंसी दिसंबर में आ रही है प्यारे बच्चे, जिसका एग्जाम फिर से मार्च में होगा, आपको पता होना चाहिए फरवरी के लास्ट में और मार्च में, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। एक साल में 3 वैकेंसी एयरफोर्स आपको दे रहा है, इसीलिए पहली बार एग्जाम देने वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कल वीडियो अपलोड कर दूंगा। किसी भी तरह का आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके बेसिस पर मैं आपके कमेंट्स को एनालिसिस करके देख करके और मैं कल उसके बाद अपलोड कर दूंगा। और एक इंपॉर्टेंट रहिए, 10 दिन का एग्जाम रह गया है, 10 दिन बाद एग्जाम है, डेविएट मत हो जाइएगा, बीमार मत हो जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, क्रुशियल टाइम है, और यही चीज हमें गड़बड़ कर देती है। गर्ल्स एंड बॉयज में दोनों के लिए बोल रहा हूं, यदि आप वीडियो लाइक करते हैं मुझे, इंपॉर्टेंट बात और मैं बता दूं, एडमिट कार्ड आपके 2 तारीख के दोपहर तक कंफर्म आ रहे होंगे, मैंने सुबह भी बताया था आपको 2 तारीख को एडमिट कार्ड कंफर्म आ रहे हैं, ये बिल्कुल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2 से डिले नहीं होगा, आपका एग्जाम डेट और आपका एग्जाम सिटी कंफर्म हो जाएगा, और 72 घंटे पहले आपका एग्जाम सेंटर कंफर्म हो जाएगा। 2 तारीख को मैंने सुबह ही आपको आज इन्फॉर्म किया है। आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और आपका बहुत बहुत आभार फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।